सबसे पहले तो फ़ोन में फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए ये तीन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होने चाहिए। ये तीनों एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। पहला है लाइटरूम, सेकंड है स्नैपसीड और तीसरा है पिक्सआर्ट। अब हम तीनों एप्लीकेशन के टूल्स और उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्नैपसीड के बारे में, बाकी दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से ये सारे टूल्स आते हैं। इस टूल्स को इसमें सबसे पहले तो आपको बेसिक टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, जैसे कि ये है डिटेल्स। डिटेल्स से आपके फ़ोन आपके स्ट्रक्चर, फोटोज़ के स्ट्रक्चर और शार्पनिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो आपकी स्मूथ ज़्यादा है तो आप उसका स्ट्रक्चर और शार्पनिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। दूसरा आता है विंटेज। विंटेज बहुत ही खास टूल है। यहाँ आपको 12 अलग अलग विंटेज आपको मिल जाएंगे। मैं ये 6 वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि ये अच्छा है, और यहाँ से आप अपनी सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं जितना आपको फोटोज़ में चाहिए। और यहाँ स्टाइल स्ट्रेंथ 0 कर देना होता है। विग्नेट आपके फोटोज़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर हम यहाँ से व्यू एडिट्स में जाके विंटेज को, ये बीच वाले ऑप्शन है, यहाँ टैप करने के बाद विंटेज को 0 कर लेना है क्योंकि हमें ये फेस पर जो रेड कलर के मतलब सेचुरेशन जो ज़्यादा हो गया है उसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ स्किन में से रिमूव कर दीजिए, फिर बैक आ जाइए। ये देखिए, फिर है सिलेक्टिव टूल। सिलेक्टिव टूल से आप अपने फोटो की स्किन में ब्राइटनेस ला सकते हैं। ये देखिए, कॉन्ट्रास्ट आपके फोटोज़ के हिसाब से होना चाहिए, फोटो के हिसाब से। सेचुरेशन भी आप फोटो अगर ज़्यादा सेचुरेशन है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फोटो। फिर यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर। फिर यहाँ से राइट करके फिर ये वाला टूल है हीलिंग टूल। इससे हम कोई आपके स्किन पे पिंपल या कोई दाग है तो उसे निकाल सकते हैं। फिर ये पोर्ट्रेट टूल, ये बहुत ही अच्छा टूल है। इससे आप फेस पॉइंट लाइट बढ़ा सकते हैं और स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ से आई क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं। फिर विग्नेट, विग्नेट से आप अपने आउटलाइन की ब्राइटनेस को घटा सकते हैं। नेक्स्ट टूल है क्रॉप, यहाँ फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टैक्स, यहाँ से कोई अगर आपको कुछ फोटो में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेम्स, अगर आपको फोटो में कोई फ्रेम ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 23 अलग अलग फ्रेम्स है,
फिर नेक्स्ट है डबल एक्सपोज, ये बहुत ही काम का टूल है। अगर आपको यहाँ कोई फोटो ऐड करनी है इसके ऊपर तो आप करता हूँ ऐड, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। फिर ये है लाइटन, यहाँ से फोटो अच्छी तरह ऐड हो जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ से हम उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल है ट्यून इमेज। ट्यून इमेज से हम पूरे फोटो को उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, एम्बियंस, हाइलाइट्स, शेडो और वार्म, उसकी टेम्परेचर और कूल रखना है वार्म रखना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज करना है या डिक्रीज। कॉन्ट्रास्ट उससे फोटो के कलर और इफेक्ट में बदलाव आएगा। फिर ये है सेचुरेशन, ये से कलर बढ़ सकता है सेचुरेशन को बढ़ाने से, कम करने से कलर उस कम हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Have a great day.